भारतीय सेना में कार्यरत नितिन वामन राव खेड़ीकर उम्र 39 वर्ष की गुरुवार 4 जुलाई को गुवाहाटी मुख्यालय में हार्ट अटैक से मृत्यु हुई थी। साकोली तहसील के उनके गृह ग्राम बांपेवाड़ा में शनिवार 6 जुलाई को दोपहर 1 बजे शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय पुलिस दल एवं भारतीय सैन्य दल के जवानों ने हवा में फायरिंग कर बिगुल बजाकर शहीद नितिन खेड़ीकर को सलामी दी गई। शहीद नितिन खेड़ीकर को उनके बेटे ने मुखाग्नि दी। जानकारी के अनुसार शहीद नितिन भारतीय सेना में गुवाहाटी मुख्यालय में कार्यरत थे। ग्राम बांपेवाड़ा में रहने वाले किसान वामन खेड़ीकर के तीनों बेटे भारतीय सेना में कार्यरत है। बड़ा बेटा नितिन वर्ष 2005 में भारतीय सेना में रैंक HAV सेवा में भर्ती हुए थे। वर्तमान में वह गुवाहाटी के सेना मुख्यालय में कार्यरत थे। 4 जुलाई को दोपहर 2 बजे अचानक हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हुई। नितिन के निधन की खबर गाँव में मिलते ही बांपेवाड़ा परिसर में शोकाकुल माहौल है। गुवाहाटी से शनिवार 6 जुलाई को सुबह में शहीद नितिन का पार्थिव लाया गया। दोपहर 1 बजे बांपेवाड़ा में शासकीय सम्मान के साथ उनका अंतिम संस्कार किया गया। इस समय तहसीलदार नीलेश कदम ने प्रशासन द्वारा पुष्प चक्र अर्पण कर उन्हें भावपूर्ण श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके साथ ही साकोली पुलिस थाने के पुलिस निरीक्षक रमाकांत कुकाटे, साकोली पंचायत समिति के सभापति गणेश आदे, वैनगंगा बहुद्देशीय विकास संस्था के अध्यक्ष डॉक्टर सोमदत्त करंजीकर, ग्राम बांपेवाड़ा के सरपंच नंदिनी मेशराम, एकोडी के सरपंच संजय खोबरागढ़े, पंचायत समिति सदस्य डॉक्टर ललित हेम ने, भास्कर चिरवतकर ने पुष्प चक्र अर्पण करके श्रद्धांजलि अर्पित की। इस समय बांपेवाड़ा के नागरिक छात्र छात्राएं बड़ी संख्या में उपस्थित थे। नितिन की मृत्यु के पश्चात पत्नी, एक बेटा, एक बेटी, माता पिता, भाई, ऐसा भरपूर परिवार है। भंडारा गोंदिया जिला वासियों के लिए खुशखबर है, अब आपका मनपसंद चैनल BS क्राइम इंडिया न्यूज अब आपके केबल नेटवर्क पर, जी हां, अपने केबल नेटवर्क के SN चैनल नंबर 13 पर उपलब्ध है। BS क्राइम इंडिया न्यूज पर खेल, राजनीति, क्राइम, साहित्य व अन्य खबरें प्रकाशित की जाती है। हमारे साथ जुड़ने के लिए तथा हमारे चैनल में खबरें, विज्ञापन आदि के लिए संपर्क करें 8669151757 पर।